पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपने विवादित बयानों से घिरी रहने वाली हिंदू संगठनों की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आजम खान के खानदान का डीएनए खराब है और आजम का खुद डीएनए खराब है। साथ ही कहा कि निर्वाचन आयोग आजम खान पर प्रतिबंध लगाए और जेल भेजे। गठबंधन पर निशाना साधते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हुए हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इनमें दम था तो अकेले लड़ते। साथ ही राहुल गांधी को सदन में आंखें मारने वाला कहते हुए कहा कि आंख मारने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, देश को मोदी प्रधानमंत्री ही चाहिए। आजम खान की तो नस्ल ही खराब है, इसका तो शुरू से लेकर के इसके खानदान का रिकॉर्ड उठा करके देखो, इसकी डीएनए ही खराब है। आजम खान जैसे लोग राजनीति में आकर के समाज का क्या भला करेंगे? महिलाओं के ऊपर इतनी गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं, इतनी भद्दी भद्दी बातें करते हैं, जिसको सुनकर के शर्म आती है। और मुझे तो अफसोस है, जो लोग उसके मंच पर बैठ करके तालियां बजा रहे थे, उनके घरों में बेटी नहीं है, उनकी बीवी या बहन नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग से निवेदन करूंगी कि आजम खान पर तुरंत प्रतिबंध लगा करके इसको जेल में डाला जाए, ताकि किसी महिला के ऊपर जीवन में ये फबतियां ना कस सके। मैं समझती कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे होकर के अगर ये इतने ईमानदार इतने अच्छे थे, अकेले लड़ करके दिखाते ना। मोदी जी शेर है, अकेले लड़ रहे हैं और देश के पीएम मोदी जी ही बनेंगे। गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है पीएम का, बताइए कौन है? राहुल गांधी तो सदन में बैठ करके आंख मारते हैं, देश को आंख मारने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश को अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई देखे, उसकी आंख निकालने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इसलिए केवल और केवल मोदी जी है इस लायक, और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित रूप से हमें विश्वास है।